हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की गुड नॉलेज। आज का जो टॉपिक है वो महावितरण के ऊपर है। अगर आपका लाइट बिल महावितरण के साथ में है तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर आप पेमेंट करते हैं और आपको जानना है पेमेंट आपने जो किया है वो कितना किया, कब किया, पास्ट की रिकॉर्ड आपको निकालनी है कि बिल कितना जनरेट हुआ था और मैंने पेमेंट कब किया था, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको महावितरण की वेबसाइट में लाइव बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए और फ्यूचर का और पास्ट का इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये महावितरण की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको ना यहाँ पर आप मेरा कर्सर देख सकते हैं। तो व्यू पे बिल पे आपको क्लिक करना होता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपको आपका लाइट का बिल देना है। मैं रैंडमली एक बिल दे देता हूँ और यहाँ पे बिल के अंदर एक नंबर लिखा रहता है, बीओ नंबर, वो आपको देना है और सामने जो कैप्चा दिया है वो आपको इंटर करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है मेक पेमेंट का और सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे व्यू हिस्ट्री का। तो मेक पेमेंट पे तो अभी नहीं जाना है, व्यू हिस्ट्री पे चले जाना है आपको। अभी व्यू हिस्ट्री पे जैसे आप चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको ना आई थिंक ये पूरे लास्ट वन ईयर का आपके सामने रिकॉर्ड आ गया है कि आपको कौन सी तारीख में कितना बिल जनरेट हुआ था, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर नंबर यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे स्टेटस दिया हुआ है, यहाँ पे बिल अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ पे पूरा हिस्ट्री है कि आपका हर महीने कितना कितना बिल जनरेट होता है और आपका ये यूनिट के अकॉर्डिंगली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको उसका बिल जनरेट करना है तो ये आपको लोगो यहाँ पे दिखेगा, छोटा सा लोगो यहाँ पे, या लोगो पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर डे का आपको पूरा बिल जनरेट होके मिल जाएगा कि आपको कितना जनरेट हुआ था, ठीक है। चलिए वापस बैक आ जाते हैं। अभी आपको जानना है कि आपने पेमेंट और जितने भी बिल जनरेट हुए उसका पेमेंट आपने किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए भी आपको सेम एज इट इज़ व्यू पे आना है। तो जहाँ पे हमने बिलिंग पूरा देखा वहीं पे पेमेंट हिस्ट्री दिया हुआ है। पेमेंट हिस्ट्री पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे डिटेल आ जाता है कि आपने पेमेंट कब किया था, कौन सी डेट में किया था, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन आईडी आता है, ये पेमेंट मोड आ जाता है, आपने कितना अमाउंट पेमेंट किया था, कौन सी डेट में पेमेंट किया था और इसका ट्रांजेक्शन डेट आपको यहाँ पर आ जाएगा और इसका रिसिप्ट भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा इसका रिसिप्ट भी यहाँ पे जनरेट हो गया। तो ये काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है जो आप अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको करंट बिल का स्टेटस जानना है तो भी आपको यहाँ पे बिलिंग में जो करंट स्टेटस है वो भी आ जाएगा। बिल जनरेट करने के लिए बहुत ईजी ऑप्शन है, ठीक है। तो महावितरण में क्या होता है ना, जब भी बिल जनरेट होता है, आपकी एक थोड़ी सी और जानकारी मैं दे देता हूँ, जब भी आपका बिल जनरेट होता है ना उसके लिए कुछ 10 से 15 डेज का आई थिंक कुछ समय दिया जाता है। अगर आप बिल का पेमेंट करते हैं उतने पर्टिकुलर पीरियड पे तो आपको 10 से 20 रुपये कम देना पड़ता है, राइट। तो ये आपको एक बेनिफिट है, जब भी आपको बिल जनरेट होगा इमीजिएटली अगर आप पेमेंट करते हैं ना तो वहाँ पे 10 से 20 रुपये का आपको फ़ायदा हो जाता है। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है पहुँचा सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।